बताएंगे पवन भैया में ऐसा क्या आपको लगा जो आप उनकी कॉपी करना चाहेंगे, वो चीज अपने पास लेना चाहेंगे, वो चीज क्या आपको? पवन भैया में जो हम्बलनेस है वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, हमेशा साथ में रहता है, और मतलब वो कभी भी हमारे अचीवमेंट में आगे नहीं बढ़ते, हमेशा पीछे रहते हैं। वो जब भी मेरे साथ भी जब भी गाता है तो वो हमेशा गाना खत्म होने के बाद उनका भी प्रेज रहता है, बट तब भी वो आगे ही नहीं आते, वो हमेशा पीछे रहता है और वो अपने प्रेजेस कभी लेते ही नहीं है, वो हमेशा बोलता है तेरे को प्रेज करो। तो मीन्स ये सब मैं उनसे सीखना चाहूंगा कि हमेशा हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और उन्होंने जितना म्यूजिक में वो जितना डीप घुसा है, मैं भी उतना डीप घुसना चाहूंगा, म्यूजिक के बारे में और जानना चाहूंगा। और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनको आते हैं, अभी मेरे पापा ने भी मुझे तबला गिफ्ट किया है, तो मैं अभी अभी कोशिश करूंगा कि तबला सीखूं, और उनके साथ कभी भी लाइव शो तो साथ में बजा के। परिणीता भी नहीं, अच्छा आपसे ही लेना है, आपसे ही लेना, इट्स ओके, लीव लगाई देता है दीदी आता है। नहीं जाता है वो। अरुणिता दीदी वो भी आपके साथ गाती है, हाँ उनसे आप ये कैसे? अरु दीदी बहुत ज्यादा फील से गाती है, एकदम पिच परफेक्ट गाती है, और मींस उनका आवाज बहुत स्वीट आता है माइक पे, वो डायनामिक्स और गाने के टेक्निकलिटी वो बहुत अच्छे से समझती है दीदी, और हमें भी बहुत बार समझाती है गलतियां हमारी, और हमारे साथ बहुत मस्ती करती है, वो भी हमेशा डाउन टू अर्थ हम्बल रहती है, हमसे मिलती है, मैं उनको अरु रीरा दीदी बोलता हूँ, पता नहीं क्या, अरु रीरा दीदी तो एक अलग ही एंजॉयमेंट रहता है सारे कैप्टन्स के साथ, और सबके साथ एक अलग अलग बॉन्ड है, तो सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा, अगर पवनदीप भैया के टीम में आप नहीं जा पाते तो किसकी टीम में जाना प्रेफर करते? सारे कैप्टन बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए, बट अगर पवन भैया नहीं तो फिर अरुणिता दीदी या फिर सैली दीदी। ओके, चलिए अब मुझे आप बताइए, हाँ आपकी अरुणिता दीदी आपको बहुत अच्छे से सिखाती होंगी, दीदी से आपने क्या सीखा? मैंने सीखा था सलमान भैया से, पहले आए थे तब सलमान भैया सिखाया था, फर्स्ट मुझे सिखाया ऐसे नोट्स ऐसे है, और श्रुति सिखाया और कैसे गाना है, फिर गाके गाके फाइनल में आ गए, वैसे बहुत संतोष है और अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अरुणिता दीदी अच्छी है। अच्छा, हाँ अरुणिता दीदी भी अच्छी है। और उनसे क्या सीखा आपने? मैंने उनसे सिखाया ऐसे गाना है और नोट भी देखना ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे सिखाते हो गए, बट कभी गुस्सा किया अरुणिता दीदी ने? मैंने सुना बड़ा गुस्सा करती है। मैं थोड़ा थोड़ा बिहू से गुस्सा गुस्सा झगड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा होया था, आए थे तब फर्स्ट एपिसोड आनंद जी कल्याण जी वाला एपिसोड था, उसमें 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 से हम दोनों झगड़ा कर रहे थे, उसने बोला इंग्लिश में मुझे मुझे लैंग्वेज बता रहे हैं, फिर मैं उसको बोला नहीं पता। नहीं अरुणिता ने नहीं, दीदी ने नहीं बताया नहीं कभी आपको? नहीं बताया। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर आपको अरुणिता दीदी नहीं मिलती तो किस कैप्टन के पास जाना पसंद करते? सलमान भैया, दानिश भैया, सैली दीदी और पंत, कोई भी। अच्छा एक बात बताओ, आपके अरुणिता दीदी आपकी जो कैप्टन होती है, आप हाँ उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो जब दीदी किसी और बच्चे के साथ गाती है आपको गुस्सा नहीं आता था? ना मुझे सुनना है बस। You never had that possessiveness for your पवन भैया के लिए कि अरे भाई यहाँ मेरे को छोड़ के किसी और के साथ क्यों गा रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, बट मतलब पवन दा को बस देख के भी बहुत अच्छा लगता है। क्या फिर हम लोग डांस करेंगे गाने के टाइम में, ऐसे 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 डांस करेंगे बस। अच्छा अभी आपका जो है अगस्त में एक इंटरनेशनल शो होने वाला है, राइट? यस यू स्टार्ट, हाँ ठीक है। इंटरनेशनल शो के बारे में क्या सोच कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो जा रहे हैं वो वैभव भैया, वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कैसे मैनेज करोगे? वो थोड़ी दोनों से डांस करने वाले हैं। हम लोग दूर जा रहे हैं, हम लोग अभी भी मिल रहे हैं वैसे, और कहने तो डर तो पड़ेगा। नहीं लग रही हो? बहुत बड़े बड़े भैया हैं आपके, डर क्यों लग रहे हो? डर तो लग, बड़े ना वो लोग, हाँ आपके ये तो छोटा भाई है आपका, तो बड़ा भाई लेकिन इंसान है, वो लोग तो बहुत बड़े हैं। कभी डांट दिया आपको? डांट दिया तो मैं उसके पास नहीं रूंगी, रूम ऐसे बैठा हूँ शांति से तब रूंगा।
बस जब शांति में रहेगा तो रोऊंगा। तो रोना क्यों है, आप भी तो उनके सिर पे चढ़ के बोल सकते हैं डांटो मत मुझे, ऐसे बोल सकते हो? नहीं मैं छोटे हो ना उससे, इसीलिए। अगर तुम कितना तैयार हो रहे हो, क्या डर लग रहा है? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है फर्स्ट इंटरनेशनल शो है। हाँ मैं आज तक कभी बाहर ही नहीं गया इंडिया के, ऐसे ही घूमने भी कभी नहीं गया, पहली बार जा रहा हूँ वो भी शो करने के लिए इंटरनेशनल शो साउथ अफ्रीका में। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसके साथ गाऊंगा, इसके साथ वैभव भैया और शुभदीप भैया के साथ। इंटरनेशनल 14 भी मैंने बहुत फॉलो किया है, तो मतलब वो दोनों मेरे फेवरेट है, तो उन्होंने के साथ गाने का मौका मिल गया तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अच्छा, आपने जब देखा ना तब आपको हैव यू एवर थॉट कि आप कभी इन लोगों से इतना रूबरू, इतने पास में आकर मिलने भी वाले? नहीं, कभी ऐसे सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं जब छोटा था तभी भी मैं सोचता था अरे बाप रे सलमान भाई कितना अच्छा गाता है, मैं कभी उनसे मिल ही नहीं पाऊंगा, पवन भैया ने कितना अच्छा गाता है उनसे मिल नहीं पाऊंगा, और दीदी इतना अच्छा गाती है उनसे मिल नहीं पाऊंगा। बट होता है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन करना चाहिए हमेशा, जो आपको अचीव करना है उसके बारे में सोचता रहना होता है पूरा समय, उस पर वर्क करना होता है, तो वो कभी ना कभी भगवान भगवान जो भी होता है तो वो हमेशा वो पूरा करता है, तो पता नहीं। अच्छा अब एक बात नहीं ठीक है, अब स्कूल वाले कैसे रिएक्शन दे सकते हैं? क्या अभी तक आपको कोई मैसेज आते थे अपने स्कूल के दोस्तों के या टीचर्स के? हाँ बीच बीच में मुझे कॉल आते हैं मेरे स्कूल से बीच बीच में मुझे आते हैं कॉल्स मेरे स्कूल से, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आयान है, फिर इन लोग सबका कॉल आता है, और मेरे स्कूल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे थ्रू आउट द शो रायन इंटरनेशनल स्कूल ने। मैंने दो शो और ट्राई किए थे जिसमें भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, और मतलब उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ मतलब लीव किया, मैं एग्जाम्स भी नहीं दे पाया क्योंकि शो चल रहा है, बट उन्होंने उस चीज को भी लीव किया कि कोई नहीं तुम शो करो, मेहनत करो, जीत के आओ। और हमारी जो प्रिंसिपल है एलिस मैम, उन्होंने थ्रू आउट द शो बहुत सपोर्ट किया है, वोटिंग डिटेल्स मांगती है हमेशा स्कूल में, हर दिन वो मॉर्निंग प्रेयर में अनाउंस करती है कि अथर्फ को वोट करना, वोट करना। सो हमारे एमसीबी पे अपलोड होता है, हमारे स्कूल के जो टीचर्स जब भी स्कूल क्लास में भी एंटर करता है, हर पीरियड में जब भी एंटर करता है तो बोलता है अथर्फ को सबने वोट किया कि नहीं किया। तो मतलब मेरे स्कूल से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, एंड मेरा तो फेवरेट स्कूल है। अच्छा, व्हाट अबाउट यू, आप स्कूल की टीचर से कभी आपको फोन किया, कभी बोला? मैंने सुना आप यहाँ हो लेकिन आपके घर में पार्टी कर रहे हैं सब लोग। नहीं नहीं हम वैसे हम लोग फिर टीचर्स हम लोग वो मैसेज करते हैं और हम लोग सपोर्ट करते हैं और सब लोग वोटिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो लोग मुझे दोस्त की नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर टीचर्स कभी कभी कॉल करते रहते हैं बस, फिर हाँ फिर सपोर्ट करते हैं और वैसे ऐसे वोटिंग ज्यादा बन के हो रहे हैं। आपको मालूम है साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं? यस, साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, कंगारू नहीं, वहाँ वहाँ वो जो टाइगर और एलिफेंट और ये जो होता है ना कौन सा टाइगर वो जिराफ नहीं, इंडिया कैसे लेके आएगी फ्लाइट से, फ्लाइट से भी बड़ा है ना वो, ला सकते हैं, गिव अ कॉल टू मोदी जी, वो अरेंज कर देंगे। फिर वो सब लोग लेके आएंगे, हम लोग वहाँ से घूम के ऐसे घूम के आएगा ओके आप अपने फ्रेंड्स को अपने मिस कर रहे हो? किसको सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हमारे जो स्कूल पे एक बच्चे है वैष्णव वाला, वैष्णव कुछ नाम है उसकी, वैष्णव पीवी उसकी उसको बात मिस कर रहे हैं ज्यादा से, अभी सेकंड होने वाला है मेरी क्लास में, इसीलिए मैं जा पा रहा हूँ, उससे भी मिलेंगी नहीं अब वैसे। तो अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहते हो? यस बोलो थैंक यू। ओके सर, आपने किसको मिस किया सबसे ज्यादा और फैंस को कितना थैंक यू? स्कूल से स्कूल में आसपास के दोस्तों में सिस्टर ने कुछ कहा? मैंने थ्रू आउट द शो सही में अपनी सिस्टर को बहुत मिस किया, क्योंकि उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना, वो ऑनलाइन पढ़ते रहती है, मैं पीछे से कैमरा में घुस के ऐसे करता रहता था, वो सब बहुत याद आता था। और मतलब
एकदम से बहुत लंबा गैप हो गया, बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया था, तो इसलिए अजीब सा लगने लगा था कि कोई लड़ने के लिए नहीं है यहाँ पे, है किसी के साथ मस्ती करने को कोई है ही नहीं, तो इसलिए मैंने दीदी को सबसे ज्यादा मिस किया। एंड मैं सबको जो भी देख रहे हैं अभी, सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मुझे थ्रू आउट द शो इतना सपोर्ट किया, इतना ब्लेसिंग्स दिया है, और आपके वोट्स, आपके आशीर्वाद, आपके ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम दोनों जीते हैं, तो इन सब चीजों के लिए थैंक यू सो मच। मतलब जो आपको मोस्ट इसका पॉपुलर था आपका कैटेगरी वाज, माय कैटेगरी वाज नेहा मैम कैप्टन्स और म्यूजिक इंडस्ट्री, मतलब सुरों के धारा के हिसाब से। अच्छा, तो उसके लिए आप लाइक टू से समथिंग? मतलब ये बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट भी दिया और मुझे इन फ्यूचर ऐसा दिखा रहे थे कि मैं एक अपना खुद का एक स्कूल खोलूंगा जहाँ पे मैं परफेक्ट लोगों को सिखाऊंगा म्यूजिक, और मुझे बड़े होके बहुत सारे पद्मश्री मिलेंगे, पद्मभूषण मिलेंगे, जो कि हर्ष भैया मुझे देंगे। तो ये सब फोटोज देख के बहुत ज्यादा स्पेशल फील हुआ कि जो हर्ष भैया ने, हम सबको ऐसा फील करते हैं मेरे बारे में। तो मैंने ये ठाना हुआ है कि अब जब भी 10-15 साल बाद जितना भी समय, मैं उतना समय पूरा प्रैक्टिस करूंगा, रियाज करूंगा, और बड़े होके जो मुझे शो में फ्यूचर दिखाया है मैं उसको कंप्लीट करूंगा और सब कुछ अचीव करूंगा। थैंक यू, थैंक यू।